प्रश्न संख्या 198। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है तथा वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है एवं अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को आवास भोजन इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजनाओं की पात्रता का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आरंभ करके राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के दिशा निर्देश पत्र परिशिष्ट दो पर संलग्न है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट तीन पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट चार पर संलग्न है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त सूचना के अनुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट पांच पर संलग्न है। खंड दो। विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 जनवरी 23 तक वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2021-22 से 22-23 13 फरवरी 2023 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आर्थिक कमजोर वर्ग के 75 छात्रों को लाभान्वित किया जाकर 7.5 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विगत 3 वर्षों में दे आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं को स्कूटी वर्ष 2020-21 में दिए जाने का प्रावधान है एवं 2021 में 573 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई है। वर्ष 2021 में स्कूटियों पर 302.92 लाख रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के आवेदनों की जांच कार्य प्रक्रियाधीन है। खंड तीन। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पूर्व में आय सीमा 1 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 में 2.5 लाख रुपए वार्षिक की गई है एवं उक्त योजना के अंतर्गत पूर्व में केवल राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी अब वर्ष 22-23 से निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाना आरंभ किया गया है। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 21-22 में 1,000 अभ्यर्थियों का लक्ष्य था जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 में 1,499 किया गया है एवं वर्ष 2023-24 के बजट में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी करने के फलस्वरूप लक्ष्य बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के बिंदु संख्या 55 के अनुपालना में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग कोष का गठन क्रमांक 593 दिनांक 6 अप्रैल 2022 किया गया है परिशिष्ट 9 पर संलग्न है। उक्त कोष में छात्र छात्राओं शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए 7 संभाग स्तर पर बालिका छात्रावास आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो जवाब आया इस बार उस जवाब में और पिछली बार के जवाब में कोई खासा अंतर नहीं है।
आज भी मुझे जो डेटा मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 2020 का मिला है कि 20 में हमने ये वितरण करे हैं। मुझे डेटा चाहिए था कि आज तक, मतलब विगत तीन वर्षों में हमने कितने वितरण करे हैं, जिसका जवाब आपने बोला कि हम अभी भी बहुत सारे आवेदन है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय जब मैं वेबसाइट पे गई तो करीबन 1200 पेजेस की ये पूरी डेटा थी जिसमें बच्चों ने आवेदन कर रखा है, जिसको अगर आप एक पेज पे 30 बच्चे हैं, करीबन 36,000 बच्चों की अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन करे। माननीय मंत्री जी प्लीज, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमें स्कूटी कब मिलेगी। तो मेरे को तो आप ये बताइए कि कोई बात नहीं, आपने डेटा नहीं प्रोवाइड करा, आपके डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि लेटेस्ट डेटा क्या है, क्या अभी टेंडर हो गए हैं उन स्कूटियों को वितरण के। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी मेरी राजसमंद जिला से ही आते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि कहीं पर आपने इसमें काली भाई भील स्कूटी वितरण की उस योजना के अंतर्गत आपने सबसे पहले लिखा है कि 51 स्कूटियां हम प्रति जिले में देंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप उस डेटा को देखेंगे तो कोई रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है जिला वाइज। तो क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ कि राजसमंद में जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं है, 50% से भी लेस है, क्या मैं ये आपकी तरफ से आश्वस्त हो सकूं कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन सब जिलों में एक जैसा करेंगे, क्योंकि एससी वर्ग और अनुसूचित जाति के छात्राएं भी उठती हैं। समाज कल्याण से शिक्षा में चले जाएंगे तो फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदन को भी क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, उस दिन भी डेटा यही था, आज भी डेटा यही है, मैंने कोई डेटा छुपाया नहीं है। 2021 का जो लक्ष्य था 600, उसमें से 573 जो एप्लीकेशन आई थी, जो पाई गई, वो उनको हमने वितरण कर दिया। 21, 22 और 22, 23 की जो स्कूटी है वो अभी प्रक्रियाधीन है, और प्रक्रियाधीन रहने का कारण हमारी तरफ से कमी नहीं है, जो बच्चों के द्वारा, माननीय सभापति महोदय, हमारे पास पोर्टल की जो इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो तारीख बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आई, 3 जनवरी 22, 15 फरवरी 22, 15 मार्च 22, 15-7-22, 6-9-22, 31 जनवरी 23, और अभी जो लेटेस्ट 18 फरवरी 23, इसमें हमने बढ़ाई, और उसके बाद अब इसका हम प्रक्रिया पूरी कर दी, इसमें कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। इस साल की भी जो है 22-23 की जो है, उसके अंदर भी 20-10-22 को, 30-11-22 को, 21-12-22 को, 15 जनवरी 23 को, 15 फरवरी 23 को। जैसे जैसे बच्चे कहते हैं कि साहब हमारे कोई, क्योंकि पीछे हम 2 साल पहले की बात करें तो कोविड भी था, उस समय मार्कशीट वगैरह नहीं आ रही थी, पेपर आगे पीछे हुए थे, उसके बाद हमने तारीख बढ़ा दी है। अब टेंडर हो गए हैं माननीय सभापति महोदय, और जो 21-22 की पोर्टल की जो हमने कट ऑफ जो है वो सूची जारी कर दी है अस्थाई। 22-23 की भी जो पोर्टल की लास्ट डेट 15 फरवरी थी, उसकी अस्थाई सूची हम 30 अप्रैल तक जारी कर देंगे, और 30 जून तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों वर्षों की जो स्कूटियां हैं वो बांट देंगे। और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के अंदर जो स्कूटी की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है, तो मैं समझता हूँ आने वाला जो साल है उसमें भी अच्छी संख्या में बच्चों को स्कूटी मिल पाएगी। कितने टेंडर कितनी स्कूटियों के हुए आप ये बता दीजिए। मुझे पता है कि आपने मुझे उस दिन भी कहा था कि ये आपके डिपार्टमेंट का डायरेक्टली आंसर नहीं है। प्लीज अगला प्रश्न, बार बार शिक्षा में जाएंगे तो प्रश्न अलग लगाना पड़ेगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क स्पेसिफिक फॉर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपका जो कंसर्न था उसको एड्रेस किया है कि 2 साल की स्कूटी जो नहीं बिक है वो प्रोसेस में टेंडर हो गया, वो हो जाएगी, डेट बता दी उन्होंने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 285।